चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शरिया कानून के बारे में जानेंगे। अभी जो तालिबान में लागू होने वाला है, यहाँ पर अफगानिस्तान में जो तालिबान का सरकार बन चुकी है, यहाँ पर जो शरिया कानून लगाया जा रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, शरिया कानून जरूरी नहीं है कि सिर्फ तालिबान ने अफगानिस्तान में ही लगाया, कई ऐसे देश है जैसे मुस्लिम देश है जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरब या अफगानिस्तान में भी अब शरिया कानून लागू होने वाला है। लेकिन हर देश का जो शरिया कानून है वो अलग अलग होता है। ईरान में भी शरिया कानून ही लागू, लेकिन अपने अपने देश का शरिया कानून अलग अलग होता है। देखो, यहाँ जो अफगानिस्तान में यहाँ से लोग सारे लोग भाग रहे हैं, उसका रीजन यही है कि यहाँ जो उनका शरिया कानून लगने वाला है वो बड़ा कट्टर होने वाला है, क्योंकि तालिबानी का शरिया कानून बहुत कट्टर है। तो शरिया कानून के जो भी बातें हैं वो सारे विस्तार से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखो, शरिया क्या है? एक अरबी शब्द है। शरिया क्या है? एक अरबी शब्द है। ये शरिया क्या है? तो एक कानून व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य जीना सीखता है। अगर मनुष्य सही से शरिया कानून लागू करे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है तालिबानी है, सब जो दरिया बढ़ेले बढ़ेले सभी ये सब जो तालिबानी है, ये सब का शरिया कानून अलग है। ये अपने नियम कानून लगाने लगता है। सब शरिया कानून लगाएगा लेकिन अपन उसमें नियम कानून जोड़ देता है। सब ये सब का दिमाग नहीं है एकदम, मतलब चोटा कहल जा सकता है। वहाँ का सारा जो लड़का लड़की है, जो औरतें सब भाग रही है, सब का है उसको सोचनी चाहिए कि हम ऐसा सरकार बनाए, ऐसा राष्ट्र बनाए जहाँ पर सब मिलकर है। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। कौन? तालिबान का जो चल रहा है, सब तालिबान का जो लोग है, जो तालिबानी अपना अधिकार जमा रहा है, जो वहाँ का प्रवक्ता है सब वह सब बुड़बक है, सब सलाह वो सब खुद औरत वहाँ का। देखो, शरिया कानून एक ऐसा है कि जिसके माध्यम से मनुष्य जीना सीखता है। लेकिन यहाँ पर जो शरिया कानून लगेगा उसमें औरतों का अधिकार छीन लिया जाएगा, औरतों को दाब कर रख दी जाएगी। 8 साल से अधिक की जो औरत होंगे, 10-12, उन सभी को घरों से खोज खोज कर उनको सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाएगा। यही सन इसी कारण से वहाँ से सब कोई भाग रहा है। तो शरिया कानून क्या वहाँ पर लागू होने वाला, इस बात को समझिए। देखो, वह शरिया क्या है? तो शरिया एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है। शरिया का अर्थ क्या होता है? शरिया का अर्थ होता है पानी का स्पष्ट और व्यवस्थित रास्ता। मतलब पानी का स्पष्ट और व्यवस्थित रास्ता, ये क्या होता है? तो इसमें दान पुण्य हेल्प मदद ये सब चीजें होती है, ठीक है ना। तो ये सब शरिया में बताया गया, शरिया कानून में, कि आप खुलकर किसी को दान करिए, पुण्य करिए, किसी की मदद करिए, हेल्प करिए। लेकिन यहाँ पर मदद ना, मदद के नाम से सब गोलिये फायरिंग करता है सब। वो जन्म लेते तालिबानी एकदम गोली चलाता है सब, वो सीखले है वो। देखो बुआ, तो बात समझिए यहाँ पर। तो शरिया का मतलब क्या होता है? पानी का स्पष्ट और व्यवस्थित रास्ता। उसके बाद शरिया क्या है? तो शरिया जो कानून है वो कुरान और इस्लामिक विचारधाराओं से मिलकर बनी है। मतलब जो कुरान मुस्लिम का, इस्लाम का जो धर्म ग्रंथ है, कुरान से और जो इस्लामिक, मतलब बड़े बड़े जो लोग हुआ करते थे उनकी विचारधाराओं से मिलाकर शरिया कानून बनाई गई है। ये क्या है? एक कानून व्यवस्था है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन जीना सीखता है। इस शरिया कानून में दान पुण्य हेल्प ये सारी चीज़ें आती है। इसमें ये नहीं होता है कि गोली मार दो, फायरिंग कर दो, ये सब गलत बात है। शरिया कानून में यदि कोई गलती करता है तो उसके दो अपराध हैं। पहला अपराध क्या है? देखो, शरिया कानून के अपराध के जो अपराधी होंगे, जो शरिया कानून को नहीं मानेंगे, उसके अंतर्गत क्या आएगा? तो हद और तजीर। ये पहला अपराध हो गया हद, और दूसरा का हो गया तरीज। आप अपने देश में इंडिया में मुस्लिम लोगों को सुने होंगे, वो हज करने जाते हैं। तो वो हज और हद ये दोनों अलग हो गया। तो यहां पर शरिया कानून अपराधी होगा, जो शरिया कानून को नहीं मानेगा, इसके विरुद्ध जो काम करेगा वो क्या हो जाएगा? शरिया कानून का अपराधी होगा। तो यहाँ पर शरिया कानून के अपराधी दो प्रकार के होते हैं, हद और तजीर होता है। देखो, हद में क्या क्या आते हैं? चोरी उरी कर लेना या कुछ, मतलब किसी के संग गलत काम कर लेना, ये सब हद के अंतर्गत आता है। और इसमें डायरेक्ट फैसला सुनाना होता है, इसमें डायरेक्ट हाथ मुंह नाक सब काट दीजिए, हाथे काट दीजिए। और जब हाथे नहीं रहेगा तो क्या करेगा? ना चोरी करेगा और ना किसी के संग गलत व्यवहार करेगा वो। तो ऐसा हद कानून है। और तजीर में अगर कोई गलती करता है तो इसमें जज के भरोसे फैसला उसला छोड़ दी जाती है। मतलब जज अपना फैसला सुनाएगा। जैसे हम लोग इंडिया में, इंडिया जैसा देश तो कोई आपको मिल ही नहीं सकता। ये पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस इंडिया देश को फिर से एक बार प्रणाम करो और कमेंट में लिखिए आई लव यू इंडिया, ठीक है ना। आई लव माई इंडिया। आपका इंडिया जैसा कोई देश नहीं, यहाँ पर वो सब कानून नहीं, यहाँ पर सब कोई स्वतंत्र है। और तालिबान में चले जाओ और कौन देश में चले जाओ, वहाँ लड़की वहाँ औरतें स्वतंत्र है, ले नहीं है, उनकी सारी आज़ादी को मार दिया गया। और फिर एक बार वही इतिहास यहाँ पर अफगानिस्तान में रचाने वाला है। और यहाँ पर जो तालिबानी सरकार आ रही है वो सारी स्त्रियों को क्या करेगा? हक को दाबेगा। वो कह रहा है कि हम सब अधिकार देंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं करने वाला। वो इस्लाम धर्म है, वो हमेशा खाली नारे तकदीर लगाएगा, कुछ करेगा नहीं। वो बसरते सबको दाबेगा, सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा। तालिबान के जब 1996 से लेकर 2001 में जब सरकार बनी थी तो 5 साल में हट क्यों गई? इसका रीजन यही था कि वो औरतों को अधिकार को दाब कर रखता है। वहां पर मतलब 8 साल के बाद या 10 साल के बाद लड़कियों को पढ़ना लिखना सब बंद करवा देता है सब। ऐसा कौन अधिकार होता है? नियम कानून होता है। और शरिया कानून में ये सब बातें नहीं, यहां पर सब कोई स्वतंत्र है। लेकिन यहां पर अपन नियम कानून जोड़ता है कौन? तालिबानी लोग। तो शरिया का मतलब समझ गए। शरिया का मतलब होता है पानी का स्पष्ट और व्यवस्थित रास्ता। ये जीवन जीने का एक मतलब कानून बताता है, जीवन कैसे जीना है। इसके अंतर्गत दान पुण्य मदद हेल्प करना ये सारी चीजें आती है।
शरिया क्या एक अरबी शब्द है? शरिया को शरिया कानून जो है किसने बनाया था? तो कुरान और इस्लामिक विचारधाराओं से मिलकर शरिया कानून आपकी बनी हुई है। उसके बाद देखी जाए तो शरिया कानून के अंतर्गत 5 गो स्कूल आता है। कितना स्कूल आता है? 5 गो, जिसके अंतर्गत 4 गो स्कूल आपका सूफी सिद्धांत के अंतर्गत आता है और एक जो स्कूल है वो शिया सिद्धांत पर आपका है। अब देखो शरिया कानून में 5 स्कूल आते हैं जिसमें 4 स्कूल किस पर? सूफी सिद्धांत पर और 1 स्कूल शिया सिद्धांत पर आपका है। अब सूफी सिद्धांत के अंतर्गत 4 स्कूल कौन कौन है? तो हनबली है, मलिकी है, सफी है, हनफी है और एक शिया सिद्धांत पर आपका स्कूल जो है वो शिया चाबी है। क्या? शिया चाबी, ठीक है ना। तो ये 5 तरह का वहां पर स्कूल है जो शरिया कानून जिसके जहां पर शरिया कानून के नियमों ये सारी बातें मतलब बताई जाती है। अगर शरिया कानून के बारे में कोई ज्ञान लेना चाहता है तो इन 5 स्कूल में जाकर वो ज्ञान ले सकता है, वल्ली फ्री है, ठीक है ना। तो शरिया कानून ऐसा नहीं कि कट्टर है, नहीं, शरिया कानून अच्छा है, वो लोगों के जीवन जीने का तरीका बताता है, मार्गदर्शक है। लेकिन यहाँ जो तालिबानी है वो जो अपना अधिकार जोड़ेगा वो क्या करेगा सर? वो लोगों का नियम यही था 2001 में, मतलब 2019 से लेकर 1996 से लेकर 2001 तक वो लोगों का शासन रहा। तो उसमें क्या किया था? शरिया कानून तो लगाया लेकिन उसमें तरह तरह का नियम लगा दिया कि जो लड़कियां होती है वो 8 से 10 साल के बाद नहीं पड़ेगी, जींस सूट नहीं पहन सकती। एक बार घटना घटा क्या कि जींस पहन के एक लड़की घूमी, निकली बाहर, उसको गोलियां मार दिया सब। और साथ में जो औरतें हैं वो क्या ना कि जो औरतें वहां की है वो हमेशा गुरखा लटका रहेंगी, गुरखा पहने रहेंगे, एकदम चेहरा नहीं दिखा सकती। अपन इंडिया जैसा देश ही नहीं है, यहाँ तो बुढ़वा बुढ़िया तक जो है ना लोग वो जींस पहन के घूमता है, टाउन में जाकर देखिए। तो इंडिया एक ऐसा देश है जिस देश की कोई और तुलना कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता, और ऐसा देश कोनो बन ही नहीं सकता। यहाँ पर सब स्वतंत्र है, लड़का हो, लड़की हो, बुढ़वा हो, बुढ़िया हो, फलाना ठेकाना, सब स्वतंत्र है। वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सिख हो, सही, यहाँ पर सब स्वतंत्र है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक कास्ट है, इस्लामिक धर्म है, तब वो यहाँ पर नियम कानून सही से नहीं चलेगा और सही लगाएगा नहीं। वो जनजाति वो अलग सोच का जन्म लेता है सब तालिबानी। शरिया कानून यहाँ पर जो लगेगा उसमें कट्टर शरिया कानून लगेगा, जो लड़कियां उसको 8 साल के बाद नहीं पढ़ना, स्कूल जाना बंद कर देंगे, स्कूल बंद करवा देगा लोग। 8 साल से पहले वो पढ़ सकती है, अब सोचो 8 साल से पहले या 10 साल से पहले वो पढ़ेगी तो कहाँ जानेगी? अनपगवार देश कभी आगे बढ़ सकता है? यही रीजन है कि तालिबानी जो अफगानिस्तान है हमेशा गुलाम किसी का ना किसी का होते रहा है। गुलाम हुआ अंग्रेजों का, उसके बाद तालिबान का, फिर अमेरिका का, फिर तालिबान का, ऐसा यहाँ पर सीरियल वाइज चलते रहेगा। तो शरिया कानून क्या है? तो जीवन जीने का एक रास्ता बताता है, लेकिन यहाँ पर तालिबानी अपन नियम कानून लगाता है कि जो पुरुष लोग होगा वो दाढ़ी उड़ी बढ़ा कर रखेगा, काटेगा तो उसके लिए उसको सजा मिलेगी, औरतें हैं वो बिना पति के बाजार नहीं जाएगी, अगर ऐसे जाएगी तो उसको गोली मार दिया जाएगा, चाहे सामान नहीं मिलेगा, लड़कियाँ 10 साल के बाद वो पढ़ाई करना बंद कर देंगी, मतलब कहने का मतलब तरह तरह की। औरतों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है ये लोग अपने देश में, तो किसी औरत को मार दे तो देखो ना उसको फांसी तक चढ़ा दी जाएंगी। जैसे अपने निर्भया हत्याकांड सुने थे, एक बलात्कार के लिए पूरा कितना 9 साल मतलब 2012 से लेकर केस चलते रह गया और छोड़ा भी नहीं गया, ऐसा अपना इंडिया देश है। लेकिन यहाँ पर औरतें नियम कानून को तोड़ती है तो उसको कोड़े मारे जाते हैं, पत्थर से मारे जाते हैं, इतना पत्थर सब चलाता है सब वहाँ का जो तालिबानी लोग है। तो ये जो तालिबान में शरिया कानून लगने वाला है वो बड़ी कट्टर नियम लगने वाला है। तो सारी बात आप समझ गए होंगे, सर ये करूँ यहाँ से कई तरह के एग्जाम में क्वेश्चन करी जाती है, ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।